पेट्रोल पंप से सीधा तो भाई यहाँ पर भाई ये जो पुरानी जो ग्लू वगैरह थी ना वो सारी हटा रहे हैं, ठीक है, हटा दे ये सारी की सारी, नई ग्लू इसमें लगाएंगे, उसके बाद यहाँ शीशा टेक देंगे इसको। चलो भाई मैं आपको दोस्त हर्ष, और भाई मैं आया हुआ हूँ अभी कांच की दुकान पे, क्योंकि कल है ना इस गाड़ी का पीछे का पूरा पूरा कांच है, देखो टूट गया, कैसे टूटा वो बताऊँगा बाद में, ठीक है, पहले देख लो इसके जो रबड़ वगैरह जो कुछ भी थी ना वो सारी भाई ने हटा दी है। अब इस पर ग्लू वगैरह लगा के नया कांच इस पर लगाएंगे, मतलब जो कांच शीशा इस पर पीछे लग रहा है, देखता हूँ नया लगवाऊँगा पुराना लगवाऊँगा वो सब अभी देख लूँगा। बाकी अपनी बेस ट्यूब वगैरह जो है वो वहाँ रखी है, देखो नीचे भाई बताऊँगा, देखो वीडियो एकदम एंड तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो भाई ने यहाँ से जितनी मिट्टी वगैरह थी सारी हटा के यहाँ पर ये देखो सलोचन वगैरह अपने ये लगा दिया, ठीक है, और शीशा अपना वो रखा वहाँ पे नया शीशा, ये देखो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे उस शीशे को यहाँ लगा के सेट कर देंगे। तो देखो ये अब टिक गया अपनी गाड़ी के शीशे, बाकी अब इसको यहीं कहीं सेट करने के लिए टेप वगैरह मार देंगे ऊपर रखी होगी टेक छत पे, ठीक है, यहाँ किनारों पे पूरे पे टेप मार देंगे, इस पर यहीं पे सेट हो जाएगा, फिर वो पूरे पे टेप लग गई, वहाँ किनारों पे पूरे पे टेप लग गई, ठीक है। तो फिर भाई अब जो है ना फाइनली गाड़ी का शीशा वगैरह लगवा के आ चुके हैं यहाँ पे, और ये देखो इसकी टेप वगैरह कुछ इस तरह से लग रही है यहाँ पे पूरे में, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ जो शीशा टूटा ये टूटा कैसे, एक तो बेस ट्यूब देख लो आप, ये पड़ी यहाँ, ठीक है, अंदर पूरे में कांच ही कांच है, सिर्फ बेस ट्यूब ये रही, वूफर वगैरह ये रहे, देखो साइड में से पूरा टूटा हट गया ये। अब बताता हूँ ये टूटा कैसे भाई, रात की बात है, मैं शादी में गया हुआ था, जब वापस आ रहा था ना, मैं वापस आते हुए क्या हुआ, इसके मैंने हेडरेस्ट वगैरह नहीं लगाए हुए थे, क्योंकि मैं किसी और चीज़ का रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था ना, तो इसकी वजह उस रीज़न की वजह से मैंने हेडरेस्ट यहाँ के हटा रखे थे, तो बेस ट्यूब यहाँ रखी हुई थी, ठीक है। मैं आ रहा था, एक तो इस गाड़ी की लाइट इतनी बकवास, बिल्कुल रोड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से रोड पर भी लाइट नहीं, ठीक है, तो सामने आ गया ब्रेक कर, और स्पीड भी मेरी ज़्यादा नहीं थी, 50 की स्पीड थी, क्योंकि मैं सिटी के अंदर चला रहा था ना, ऐसा नहीं था हाईवे पे था 80-90 पे खींच रहा हूँ, 40-50 की स्पीड थी, ज़्यादा नहीं थी। अगर वैसे नॉर्मली देखो ना चलाने के हिसाब से स्पीड वगैरह 40-50 स्पीड ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन भाई अगर एक्सीडेंट की बात करो ना कि एक्सीडेंट 40-50 की स्पीड पर तो भाई बहुत हो जाती है 40-50 की स्पीड भी, समझ रहे हो। तो ये ब्रेक कर पे मार की जंप, आगे सोच ली पीछे सोच ली, और इसकी जो बेस ट्यूब थी ना वो शीशा फाड़ते हुए बाहर निकल के गिरी, तकरीबन ये गाड़ी मैंने 300 मीटर आगे जाके रोकी, क्योंकि पीछे स्कूटी वगैरह भी जाम लग रहा था, वो जाम नहीं मेरा मतलब पीछे से गाड़ी वगैरह भी आ रही थी, इसलिए मैंने बीच रोड पे नहीं खड़ी करी, मैं साइड में आगे को लेके गया था खाली से रोड पे, वहाँ मैंने जाके गाड़ी खड़ी करी, बेस ट्यूब अलग होते हुए आ रही है, इसका वूफर अलग जा रहा है उखड़ के, ठीक है, बेस ट्यूब अलग हुई है, देखो इसकी हालत दिख रही होगी, ये पूरे रोड पे रोल होती हुई आई है, वूफर ये टूट टाट गया, देखो इसकी कंडीशन दिखाऊं मैं, देखो तार तूर इसके सब अलग हो गए, ये देखो ये रोड पे घिसा है वूफर ये देखो, ठीक है, ऐसे इसकी हालत हो रही है, और बेस ट्यूब तो क्या ही कहना उसके, ये देखो पूरे कांच वाँच देखो यहाँ पे। तो भाई ऐसा ही कुछ हो गया, मैं बाकी ये जंप वगैरह करी मैंने घर पे जाके तो बोल दी पापा से कि ऐसे ऐसे कुछ, मतलब मैंने बहाना वहाना मार दिया कि ऑटो वगैरह के छत पे पाइप वगैरह थे, तो पाइप इसकी डिग्गी के अंदर घुस गए यहाँ से, और बेस ट्यूब तब नीचे गिर गई, तो इस तरह से मैंने बोल दिया। खैर कोई नहीं, अब वीडियो वगैरह देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगी कि भाई हुआ क्या था गाड़ी में, तो ठीक है, यही एक प्रॉब्लम थी भाई, सही बताऊँ ना
बेस ट्यूब वगैरह डिग्गी के ऊपर है ना मत रखो, कुछ भी मत रखो ऐसी चीज़ें, ना बेस ट्यूब ना इनक्लोज़र वगैरह। बाकी मैं देखता हूँ इस बेस ट्यूब का क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ तो करूँगा, पहले घर जाकर कांच वगैरह हटाऊँगा। भाई जो सीन हो गया ना, 40-50 की स्पीड पर बहुत बुरी तरह उछली थी गाड़ी, जैसे जैसे वो ब्रेकर पास आता है ना मुझे दूर से दिखा, अरे रोड पे ब्रेकर भी रहेगा, तो इस तरह से हुआ वो पास आता गया ना, मैंने देखा अरे ब्रेक करा, मैंने फिर ब्रेक लगाने शुरू करे, इतने ब्रेक लगती भाई ये कूद चुकी थी ब्रेकर पे से कूद गई भाई, शीशा बेस ट्यूब जो है ना ऊपर उछल के शीशा फाड़ के पीछे आई। बहुत भाई बहुत अच्छी बात है किसी को लगी नहीं, पीछे जो आ रहा था उसको किसी को नहीं लगी, ये तो स्कूटी वगैरह पे होते हैं मोटरसाइकिल पे होते हैं, कई बार ऐसा होता है नीचे से कुछ गिर गया ना, तो टू व्हीलर उनके वैसे ही होते हैं, उनको ज़्यादा चोट पहुंच जाती है फोर व्हीलर के मुकाबले, ठीक है। और बाकी शीशा वगैरह अब अपना लगवाई लिया है ना, ये लगा 1800 रुपये का लग गया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो इसका सूटेबल फॉर वैगनर BSA वगैरह, और यहाँ नीचे अगर देखोगे ना, ये देखो ये ट्रांसपेरेंसी, अगर देखो दिख पा रहा हो तो इस पे लिख रहा है ट्रांसपेरेंसी 2015 सर्टिफाइड लिख रहा है, तो 2015 मॉडल की कोई हो सकता है, कोई गाड़ी वगैरह हो उसमें से उतारा गया हो ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। बाकी तो 2015 लिख रहा था, बाकी जो पुराने अपना शीशा था ना कंपनी वाला एकदम कंपनी फिट था, उसमें यहाँ पर CNG का स्टिकर लगा हुआ था, जैसे आगे लगा हुआ है दिख रहा होगा, एक मिनट दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है, ऐसा CNG का स्टिकर लग रहा था वो गया, और यहाँ ग्रीन की जो बैजिंग होती है CNG की, ग्रीन CNG उसकी बैजिंग थी यहाँ पर, वो भी चलेगी। अब शीशा एकदम खाली हो चुका है, इसका स्टिकर मैं हटा दूँगा घर जाके, और टेप वगैरह लग गई है इसको देखता हूँ, आज लगाए ना शीशा, कल हटा दूँगा इस टेप को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई उम्मीद है समझ गए होगे कि कल गाड़ी में क्या हुआ क्या ना हुआ, तो भाई मेरी तरफ से तो राय यही है कि शीशे के नीचे है ना कुछ भी ना रखो ना तो ज़्यादा बढ़िया है ना। मैंने देखा होगा पुरानी वीडियो में, मैंने ये तो बेस ट्यूब मैंने तब लगाई थी जब आई थी, पहले तो मैंने एनक्लोज़र फिट किया हुआ था, यहाँ पे एनक्लोज़र लगाया था, उसके किनारे से वैसे ही फट जाता शीशा। तो बेस ट्यूब का मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी स्पीकर की तो ये जो वूफर है अपना इसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है एकदम, और बेस ट्यूब की भी हालत ख़राब। खैर छोड़ो जो हो गया सो हो गया, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी तो खैर क्या ही लगी होगी, देखाऊंगा इसमें खर्चा और बैठेगा, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर कर देना उन लोगों के पास जो ये बेस ट्यूब वगैरह यहाँ ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। बेस ट्यूब को ताम झाम सा यहाँ ना रखो, डिग्गी में रख लो, कहीं रख लो, ऊपर मत रखो, नहीं तो ऐसे ही शीशा फाड़ते हुए पीछे आ जाएगी। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।